हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी बाइक के जो चारों इंडिकेटर हैं उनको एक साथ में जो है उनका कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ये जो आप हमारे हाथ में बटन देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको मार्केट से 5 रुपये के अंदर मिल जाएगा। गाइस, आपको हम दिखा देंगे हमारी बाइक के फ़िलहाल इंडिकेटर जो है वो वन बाई वन, यानी कि एक एक साइड के जल रहे हैं, और दूसरी साइड जलाएँगे तो दूसरी साइड का जलेगा। आप देख सकते हैं एक साइड का जल रहा है, अब हम दूसरी साइड का भी जला कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, ये अलग अलग काम कर रहे हैं और इस साइड का नहीं जल रहा है, तो इसलिए हमको जो स्विच है वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, हम इसके सबसे पहले जो है इसके लिए हमें इसके वाइजर को ओपन कर लेना है, और उसके बाद में जो है इसका आगे का प्रोसेस जो है हम आपको दिखाते हैं। दो नट्स जो आप देख रहे हैं दोनों साइड, इनको खोलने के बाद हमारा वाइजर जो है पूरा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से इनको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए गाइस हमें 10 नंबर की जो टी है वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। इससे आसानी से खुल जाएगी गाइज। इस साइड का नट हमने खोल लिया है गाइज, अब हम दूसरी साइड का भी जो है आपको खोल कर दिखाते हैं गाइज। इसको करना काफ़ी सिंपल है गाइज, आप इसको घर पर जो है ईजीली कर सकते हैं। आपको इसके ये किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा वाइजर जो है वो पूरा बाहर की ओर निकल चुका है, और हम इसके जो है कनेक्शन को जो है आपको दिखाते हैं कि इसकी वायर कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं गाइस, इसके साथ बाइक में हमें 3 वायर मिलती हैं, एक ये हल्की जो हमारी ग्रीन कलर की वायर है, और एक ऑरेंज, और एक स्काई ब्लू 3 कलर की वायर इंडिकेटर की जो बाइक के साथ में आती हैं, उनके साथ में इसका कनेक्शन होता है गाइस। उसके लिए हमें जो आप ये ऑरेंज कलर की वायर देख रहे हैं, इसको भी जो है हमें एक कनेक्शन इसके साथ में करना है, और हमारा जो दूसरा कनेक्शन है वो जो हमारी जो स्काई ब्लू कलर की आप देख रहे हैं हल्की, उसके साथ में इन दोनों के साथ में जो है अपने स्विच का जो है कनेक्शन करना है। और ये जो आप ग्रीन कलर की वायर देख रहे हैं ये निगेटिव की होती है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम झुका तो वहीं का वहीं छोड़ देंगे। ये रहा हमारा स्विच, इसके साथ में जो हमें वायर थोड़ी एक्सचेंज करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो स्विच है वो बाहर की साइड हम उसको लगा सकें। चलिए गाइस, हम फटाफट से साथ वायर कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है हम इनको इसके साथ फिट करते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से टेप भी कर देंगे गाइस, ताकि हमारा जो वायर है उसमें स्पार्क ना हो। आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर टेप भी कर दिया गाइस। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से इसके कनेक्शन को करना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद में जो है हम आपको इनको वन बाई वन जला कर दिखाएंगे कि कौन सा इंडिकेटर जल रहा है, कौन सा बंद है। दोनों साइड का हम आपको दिखाएंगे गाइस। इसको हमें वहीं से जहाँ से हमने इसको निकाला था, हम इसको वहीं पर लगा देते हैं गाइस। कपलर टू कपलर फिटिंग रहने वाली है गाइस। अगर आपकी बाइक न्यू भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस, क्योंकि हमारी बाइक तो काफ़ी पुरानी है, इसलिए हमें अगर वायर भी कट करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो गाइस आपकी गारंटी है, जो वो उसको आपको कंपनी से लेने में दिक्कत होगी, इसकी वजह से जो है हम आपको कपलर टू कपलर फिटिंग करके दिखा रहे हैं गाइस। हमने इसको वापस से वहीं पर लगा दिया है, और अब हमें आपको एक बार इसको जो है चेक करा देते हैं कि हमारा स्विच जो है वो काम प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना जो बाइक का इग्निशन है उसको ऑन कर लेना है, इग्निशन की को ऑन करना है। आप देख सकते हैं अब हम इसके जो इंडिकेटर है उसका भी जो स्विच है उसको ऑन कर लेते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जो है वो जलना स्टार्ट हो चुका है, और दूसरी साइड का भी जो अगर आपको दिखाएं तो अभी वो बंद है। अब हम आपको स्विच ऑन करके दिखाते हैं अपना जो हैजार्ड का स्विच लगाया हमने। आप देख सकते हैं दोनों साइड के इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लाइट कम है, हमारी जो बाइक की जो बैटरी है वो लो हो चुकी है गाइस, इसलिए हम इसको स्टार्ट करके एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं। इसके बाद पहले हम वाइजर को बांध देते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमने इसके वाइजर को फिट कर लिया है, और हम आपको जो है इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, और जो अपना स्विच है उसको भी जो है हम इंडिकेटर का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया है गाइस। आप देख सकते हैं दोनों साइड के जल रहे हैं गाइस, और हम स्विच को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड का जल रहा है, दूसरी साइड का अब नहीं जल रहा है। तो गाइस, इसी तरह से अगर हम पीछे के इंडिकेटर की बात करें तो पीछे भी कुछ इसी टाइप से जलने वाले हैं। आपको स्विच एक बार दोबारा से ऑन कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे गाइस, दोनों जो हमारे इंडिकेटर है वो प्रॉपर पीछे के भी जल रहे हैं गाइस। और अगर हम इसके स्विच में जो है गाइस
सीएम की डबल टेप लगा कर हम इसको साइड में यहाँ पर चिपका देंगे मीटर की साइड में, जहाँ से हम इसको ऑन करने में आसानी होगी। तो चलिए गाइस हम फटाफट से इसको चिपका देते हैं। गाइस हमने इसको मीटर की साइड पर यहाँ पर चिपका दिया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, जहाँ से हमको इसको दबाने में बटन को आसानी होगी। और इसकी वायर को भी हम अंदर की साइड कर देते हैं। तो गाइस अब फाइनली इसका जो है हम आपको एक फाइनल लुक और इसके जो इंडिकेटर हमको जलाकर दिखा देते हैं, और उसके बाद वीडियो को जो है अपनी एंड करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने स्विच ऑन कर दिया है और ये इंडिकेटर जो है हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। गाइस हमने जो है उसका सिंगल वाला जो मोड है वो फिलहाल ऑन किया है। अब हम दोबारा से जो है अब आपको इसका हैजार्ड मोड ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं गाइस, और ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और अगर सामने की अगर हम बात करें तो सामने भी कुछ इसी टाइप से चलेंगे, आप देख सकते हैं वन, अब फिलहाल वन साइड का चल रहा है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो दोनों साइड के प्रॉपर हमारे वर्क कर रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी अगली मॉडिफिकेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।